एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैच का कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एक्चुअली सही तरह से देखा जाए तो मैच का हर एक पॉइंट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम कई बार ये गलती कर देते हैं कि हम स्कोरबोर्ड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम स्कोरबोर्ड को डिसाइड करने देते हैं कि हमें किस तरह से खेलना चाहिए। कई बार हम अपनी टेक्निक में भी कुछ बदलाव ले आते हैं, हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो एक अटैकिंग प्लेयर एकदम से डिफेंस करने लग जाते हैं, डिफेंसिव प्लेयर एकदम से अटैक करने लग जाते हैं, अपने टेम्पो में चेंज ले आते हैं, अपनी टेक्निक में चेंज ले आते हैं, कभी जल्दबाजी करते हैं, खुद में सेल्फ डाउट और आने लग जाता है। अगर आप नोटिस करते हैं ये कि चीज़ें हो रही हैं तो अपना टेम्पो वापस, अपने रिदम को वापस नॉर्मल फ्लो में लाइए जिसमें आप अपना बेस्ट खेलते हैं। स्कोरबोर्ड से फोकस वापस ला के अपने प्रोसेस पे कि मुझे क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे टारगेट क्या हैं, उस पर वापस ध्यान दीजिए। हर एक पॉइंट को उतनी ही इम्पोर्टेंस से खेलना है, चाहे वो अपने मोहल्ले में खेल रहे हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हों, चाहे वो इंटरनेशनल खेल रहे हों, हर एक पॉइंट, हर एक गेम उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक मोमेंट, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक स्ट्राइक हमारी लाइफ नहीं डिसाइड करता। सक्सेस कई सारे मोमेंट्स के बलबूते पे बनता है। तो हर एक शॉट को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए और हर एक मोमेंट को उसके मेरिट पे खेलिए।